सो हाय व्हाट्सएप गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो इन दोनों आसान सी कैड ड्राइंग को सीखने के लिए चलो वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो हम पहले अपना पाथ डिज़ाइन पर जाते हैं, उसके बाद हम स्केच पे एक्स वाई प्लेन को सिलेक्ट करके ओके कर लेते हैं। ओके, उसके बाद हम डायरेक्टली एक रेक्टेंगल लेंगे, एक बॉक्स ले लेंगे। ओके, बॉक्स लेने के बाद उसका ऊपर का दो जो डायमेंशन है उसको हम ऐसे राउंड कर देंगे। ओके, ब्लॉग वो देखो, ये वाला टूल से हम दोनों ऊपर क्लिक करेंगे और धार आराम से राउंड होता रहेगा। उसके बाद हम इन दोनों का डायमेंशन एडजस्ट कर रहे हैं, इन दोनों पॉइंट का एडजस्ट। ओके, आप अपने मैनुअल के हिसाब से डायमेंशन एडजस्ट कर लेना, मैं ऊपर नीचे और आगे पीछे डायमेंशन एडजस्ट कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली। ओके, तो स्क्वायर शेप से आ गया। और उसके बाद हम सारे जो धार है इसका रेडियस दे देंगे बारी बारी से। तो चलो हम सबका रेडियस दे देते हैं, और एक वाला बचा है इसका भी रेडियस दे देते हैं। उसके बाद हम एक ऊपर का पॉइंट को एक्स एक्सिस के साथ कांस्टेंट करेंगे। पूरा अगर 100 हो तो हाफ होगा 50, और पूरा अगर 200 हो तो हाफ होगा 100। तो ये कैलकुलेशन करके आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ कांस्टेंट कर लेना। उसके बाद फिर से मैं एक रेक्टेंगल दे रहा हूँ, उसके बाद मैं इस रेक्टेंगल का हर एक पॉइंट का बीच का डायमेंशन दे रहा हूँ। ओके, इसका डायमेंशन मैंने दे दिया। उसके बाद उसका आधा आधा हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ कांस्टेंट कर लेंगे। ओके, दोनों पॉइंट के बीच में जो डायमेंशन था उसका आधा ही तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ होगा। तो हमें चारों पॉइंट को ले लो। मैं जिस प्रोसेस से कर रहा हूँ, मैं चारों सर्कल को मैं बारी बारी से करूँगा। ओके, आप एक सर्कल ड्रॉ करके और चारों को मिरर भी कर सकते हो। ओके, तो मैं वो वाला प्रोसेस नहीं किया क्योंकि आपको एरर आ सकता है, इसलिए मैं चारों को सर्कल को लेकर उन दोनों के सेंटर के बीच का मैं दूरी मतलब डायमेंशन दे रहा हूँ, आगे पीछे और ऊपर नीचे। ये देखो नीचे आप इस लेफ्ट साइड का बचा है इसका भी दे देता हूँ। आप इसका रेडियस, रेडियस देखो देखो यहाँ पर एक एरर मुझे दिखा, रेडियस मैनुअल पे लिखा नहीं है। ओके, तो मैं अपने हिसाब से एक दे रहा हूँ। अब देखो ये हिल रहा है ना, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ कांस्टेंट करना होगा। तो ये तो कोई भी एक वाला सर्कल में वाई एक्सिस के साथ कांस्टेंट कर रहा हूँ। ओके, आप कैलकुलेशन लगा लेना, जितना पूरा दूरी है उसका हाफ, और ऊपर नीचे भी कांस्टेंट लगा ले। देखो ग्रीन हो गया। अब इस वाले की बारी, इस वाले देखता हूँ इसके साथ होता है कि नहीं। ओके, ऊपर नीचे के साथ कांस्टेंट कितना था, अच्छा देखो नहीं हो रहा, तो आप सीधे सीधे कैंसिल कर देना। आप वाई एक्सिस के साथ करो, आप ज़रूर होगा। ये देखो आप हो गया। ओके, अब इस वाले को मैं वाई एक्सिस के साथ करके दिखाता हूँ, देखना नहीं होगा। ये देखो नहीं हुआ, तो अब सीधे सीधे कैंसिल कर देना। कैंसिल करने के बाद ओके, मैं तो अंडू भी कर दिया था, सॉरी, आप डायरेक्ट कैंसिल कर देना। मैं एक्सिस के साथ कर रहा हूँ। ये देखो चार हो गया। ओके, आप इसको हम पैड करेंगे, बहुत ही आसान सा ड्राइंग है। आप अपने मैनुअल के हिसाब से उसका थिकनेस दे देना। थिकनेस देने के बाद इसको ओके कर देना। अगर आपको ड्राइंग एंड डायमेंशन देना देखना है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो, मैं आई बटन पर दे रहा हूँ, उसको क्लिक करके देख लो कि ड्राइंग एंड डायमेंशन में आप इसका स्केल कैसे निकाल सकते हो। अगर आप टेक ड्रॉ पर करना चाहते हो तो मेरा कोई भी एक वीडियो देख लो। ओके, आई बटन पर मैं दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से भी कर लेना। तो हम दूसरे ड्राइंग पर चलते हैं। मैं फिर से एक रेक्टेंगल ले लिया, और ऊपर की दोनों पॉइंट के बीच का डायमेंशन और उसका आधा का जो डायमेंशन है वो मैं एक्स वाई एक्सिस के साथ दे दिया। ओके, और ऊपर और नीचे का दोनों डॉट के बीच का जो डायमेंशन है कितना है देख लेता हूँ। अच्छा हो गया, आप उस डॉट का जो आधा है वो हम एक्स एक्सिस के साथ कर देंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो मैं यहाँ पर पॉली लाइन ले रहा हूँ क्योंकि बार बार लाइन लेना मेरे पास एक इरीटेटिंग टाइप का है। देखो मैं एक ही साइड ले रहा हूँ। ओके, मैं इसको कांस्टेंट कर दूंगा। मैं दूसरी साइड जानबूझकर नहीं लिया, क्यों नहीं लिया अभी देख लोगे। ओके, हम इसका पूरा डायमेंशन 10 था और उसका आधा डायमेंशन 5, वो हम एक्स एक्सिस के साथ कांस्टेंट कर दिए। अब ट्रिम टूल को लेकर उसके बीच का पोर्शन निकाल दिया। अब देखो इस तीनों पॉइंट लाइन को मैंने सिलेक्ट किया, वाई एक्सिस को सिलेक्ट किया, उसके बाद हमें मिरर कर दूंगा। ये देखो उतना मुझे कष्ट नहीं करना पड़ा, हम डायरेक्ट हो गया। तब इसको हम कांस्टेंट कर देते हैं डॉट और लाइन को। ओके, दिख रहा है कि जुड़ा हुआ है पर जुड़ा हुआ नहीं है। उसके बाद आप कैंसिल कर दो, डिग्री ऑफ फ्रीडम सही होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आराम से देख सकता हूँ कि ये पूरा पैड हो जाएगा, और इसके अंदर एक सर्कल हम उसका रेडियस जितना है, अच्छा हाँ दे दिया। ओके, उसके बाद रेडियस नहीं था, डायमीटर था, देख कर मैं पहले रेडियस दे दिया समझ कर। ओके, उसके बाद कैंसिल कर देना, कैंसिल करके पैड कर देना। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 बाकी रह गया था, पर कोई भी ज़रूरत नहीं है डिग्री ऑफ फ्रीडम को 3 करने की, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये पैड हो जाएगा आराम से। ओके, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, वो ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए। ओके, तो आज के लिए बाय बाय गाइज़।